तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी लोगों को स्वागत है फिर से देवर लाइव पे। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनके बहनों, तो गाइज आज हम लोग लेके आ चुके हैं नए और एक वीडियो, और जो कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, नया आर्टिस्ट है लिल स्टैन, मेरा भाई है, अपना भाई है। तो उसने मांगा नहीं कुछ, उसने बोला बस कि भाई तू तो थोड़ा रिएक्शन कर देगा तो अच्छा होगा। तो मतलब कोई किसी के वीडियो में अगर तू थोड़ा बहुत मेरा वीडियो चला देगा तो अच्छा होगा। तो मैंने बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों भाई, तू अपने लिए स्टार है भाई, ठीक है भाई, पूरा वीडियो का रिएक्शन करेंगे फुली लोडेड, और पूरा गाना सुनना गाइस, बहुत ही वाइबी वाला सॉन्ग है जो कि मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ, फिर से आप लोगों के साथ फिर से सुनूंगा। और आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नया आर्टिस्टों को सपोर्ट करना हम लोगों का काम है, सबका काम है, जैसे कि मेरा भी है म्यूज़िक चैनल, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग ट्राई करो सपोर्ट करने का, और सपोर्ट करो यार गाइस, आप लोगों के सपोर्ट चाहिए होता है नए नए आर्टिस्टों को, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सब लोगों का, जो लोग बन गए उन लोगों को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, उन लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन वो सब कुछ ज़्यादातर दिखावा होते हैं, वो बात अलग है कि हाँ भाई तुम लोगों की वजह से। लेकिन बहुत कुछ आर्टिस्ट है जो कि दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होता, तो वो बात है, हम लोग भी बोलते हैं और मैं बोलूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि देखो सपोर्ट तो उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, जितने भी लोगों से मिलते हैं वो अपने आसपास के लोग ही है और अपने फैमिली मेम्बर्स ही है, ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स करते भी नहीं है, कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स, मेरे हाल में मैं बता दूँ तो मेरे फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं तू करता क्या रहता है पूरे दिन भर यूट्यूब में, ये दो तीन चैनल ये वो, लेकिन उन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तक इतना मैं ग्रो भी नहीं हो पाया, तो जिस दिन ग्रो हो जाऊँगा उस दिन उन लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो है गाइस, ज़्यादा टाइम का चुतिया पा ना करते हुए आप लोगों का, चल गुरु हो जा शुरू। और गाइस मैं आ चुका हूँ आप लोगों के साथ, और आज का गाने का नाम है जो कि आप लोगों के स्क्रीन पे आ जाएगा अभी, सपने, ड्रीम ऑफ सोल। तो ड्रीम ऑफ सोल मतलब डार्क सोल लिखने वाला था, तो मैं ड्रीम ऑफ सोल ही लिख दिया, और ये जो कि पोस्टर जो है वो मेरा खुद का है, जो कि ये जो नीचे वाला जो आर्ट वर्क है वो और किसी का है, गूगल से लिया हुआ था, लेकिन वो बाकी का सब कुछ मैंने करा हुआ है। तो आप लोग बताना आर्ट वर्क कैसा लगा है आप लोगों को। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। वाइब इस गाने का बहुत मस्त है भाई। अब सो भी ना पाऊँ मैं चैन से, जब तेरा हाथ थामा जुड़ गया तू क्यों मेरे दिल से, तुझे पाना मैं चाहता हूँ दिल से, डरता हूँ खो दूँ ना भीड़ में, पाना मैं चाहता हूँ साथ तेरा चाहता हूँ, मिल जा बस तू मेरी ड्रीम में, ये साथ तेरा मैं पास पास में, थोड़ा रुको थोड़ा रुको, मेरे दिल से तुझे पाना मैं चाहता हूँ दिल से, डरता हूँ खो दूँ ना भीड़ में, पाना मैं चाहता हूँ दिल से, डरता हूँ खो दूँ ना भीड़ में, भाई साहब पाना मैं चाहता हूँ साथ तेरा चाहता हूँ, मिल जा बस तू मेरी ड्रीम में, ये साथ तेरा मैं पाना मैं चाहता हूँ साथ में चाहता हूँ, भाई साहब लाइन है भाई, मेरे दिल से ह्यूस्टन तुझे पाना मैं गाइस चाहता हूँ ह्यूस्टन दिल से, बोलते, डरता हूँ खो दूँ ना भीड़ में, पाना मैं चाहता हूँ साथ तेरा चाहता हूँ, मिल जा बस तू मेरी ड्रीम में, ये साथ तेरा मैं चाहता हूँ, तुझसे दूर हो जाऊँ तो मैं याद क्यों आता हूँ, जब मैं इस दुनिया से खो जाऊँ तेरा साथ और कोई दिखना नहीं मैं चाहता हूँ। ये जो जगह है ना, ओ, मतलब मस्त है, एक ही साथ में रिकॉर्ड किया था शायद से ना लिलसन, बोलना मेरे को तू कमेंट में, एक ही साथ में रिकॉर्ड किया था ना उस दिन जो गया था राजीव के उधर, उधर ही रिकॉर्ड हुआ था ना ये वाला, एक ही बंदा इतना पेशेंटली काम करता है ना, एक ही दिन में मतलब दो तीन गाना रिकॉर्ड हो जाता है उसका, मतलब इतना है वो, उतना इसके अंदर भूख है, लेकिन सपोर्ट करने वाले बहुत कम है इसका, समझ पा रहे हो आप लोग, मतलब सुनो ना, जब मैं इस दुनिया से खो जाऊं तेरा साथ और कोई दिखना नहीं मैं चाहता हूं, ये जो ओ, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये बंदे को थोड़ा हाइप की जरूरत है, मतलब लाइक हाइप भी नहीं, मतलब थोड़ा वो चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट चाहिए आप सभी लोगों का। तो जितने भी लोग मेरे चैनल से उसके चैनल पे जाओगे ना, लिख देना DRL आर्मी से आए हो, DRL आर्मी से, DRL फैन से, मतलब DRL फैन से नहीं, DRL फैमिली से, फैम DRL फैम से आए हो, तो
ताकि उसको भी पता चले कि DRL फैमिली कितना हार्ड है। उसके जाओ, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया रहेगा, उसके वीडियो जाओ देखो, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट का ज़रूरत है सब लोगों को, क्योंकि मेरे को सपोर्ट का ज़रूरत है, आपको सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है? तो सपोर्ट चाहिए होता है, तो सपोर्ट करो थोड़ा। अगर सपोर्ट करते हो तो क्या होगा ना कि वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, तो एक लोकल आर्टिस्ट बढ़ रहा है भाई आगे, समझ पा रहे हो? सिलचर का आर्टिस्ट है, सिलचर से, वो सिलचर से बिलोंग करता है। तो अगर वो आगे बढ़ेगा ना, वो अगर आगे उठेगा तो आप लोगों को भी फायदा है, आप लोग भी फक्र से बोल सकते हो कि हाँ, सिंचर का भी बंदा है जो कि ये लोफाई सेशन में, लोफाई सेक्शन में आगे बढ़ रहा है, या फिर रैपिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहा है। लोफाई भी नहीं बोलूँगा मैं, ये तो अच्छा ट्रैक उसका लोफाई है, बाकी भी रैपिंग सॉन्ग है जो लोफाई नहीं है, उसका बहुत सारे ट्रैक्स है। आप लोग जाओ उसके चैनल पर जाके हर एक ट्रैक चेकआउट करो, ताकि उसको भी सपोर्ट मिले, उसको भी मॉरल सपोर्ट मिले कि हाँ भाई, देखने वाले बहुत लोग हैं, ताकि मैं हर रोज़ हर महीने गाना छोड़ूँ। लेकिन वो बंदा अगर कोई देखता भी नहीं ना, तो वो बंदा हर महीने गाना छोड़ सकता है, क्योंकि उसके पैरों में, मैं खुद देखता हूँ ना, उसे खुद कांटेक्ट है मेरा, मेरा भाई है वो, तो उतना है कि वो उसके उसका ना, अभी उसका घर पे अगर खाना भी नहीं हो ना, लेकिन वो गाना छोड़ने के लिए राजी है। अब वो बंदा ऐसा है, तो ये जितने भी भूखे आर्टिस्ट हैं ना, उन लोगों को सपोर्ट करो, ताकि उनका भूख मिट पाए, मतलब लाइक सपोर्ट करो। अगर सपोर्ट नहीं कर पाओगे ना, तो अगर सपोर्ट आप लोग नहीं करोगे ना, तो भाई नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा कोई भी आर्टिस्ट, ना मैं बढ़ पाऊंगा, ना वो बढ़ पाएगा, ना कोई बढ़ पाएगा, समझ पा रहे हो? तो सपोर्ट बनता है भाई, आप लोगों की तरह से सपोर्ट बनता है, तो सपोर्ट करो यार। यादों में तेरी तस्वीर है, गुरुंग तू कहती मुझे और गुरुंग को पाना मुश्किल है, जीना तो छोड़ दिया मैंने, अब लील से बस होप है, स्टंट से कह दे जाके अब तेरे प्यार ही झूठा सही है। तुझे पाने की कोशिश में खो दिया अपने ही ड्रीम में, जाने अनजाने में तुझसे प्यार कर बैठा ही, मेरे ही गलती है शायद, तू सही है, अब कर्मा ही देखेगा। फक प्यार हो दूर से, फक प्यार हो दूर से, को है फिर से ये सेकंड वर्स में, जाने अनजाने में तुझसे प्यार कर बैठा ही, मेरे ही गलती है शायद, तू सही है, अब कर्मा ही देखेगा। फक प्यार हो दूर से, फक प्यार हो दूर से, साथ तेरा मैं चाहता हूँ, तुझसे दूर हो जाऊँ तो मैं याद क्यों आता हूँ, जब मैं इस दुनिया से खो जाऊँ तेरा साथ और कोई दिखना नहीं, मैं चाहता हूँ। भाई बहुत सीख है भाई, लिल स्टैन ने क्या बना दिया भाई, तूने मास्टरपीस हो चुका है भाई, सही में। चाहता हूँ मतलब लाइक क्रेजी भाई बॉय, क्रेजी भाई बॉय, क्रेजी भाई, मतलब अब भाई यार क्या बोलूँ भाई, तुम लोग सपोर्ट करो रे, सपोर्ट करो ये सब आर्टिस्टों को रे, बहुत बढ़िया गाना है भाई यार, अच्छा लगा मेरे को सुन के। उसका आफ्टर बहुत टाइम के बाद उसका लोफे आया है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत बढ़िया है गाइस। जितने भी लोग मेरे चैनल से जाकर उसका वीडियो देख रहे हो ना, सही में तुम लोग जाओ उसके चैनल पे, चाहे तो मेरा रिएक्शन वीडियो ना देखो, उसके चैनल पे जाओ, उसका गाना सुनो, और साथ में नीचे लिख दो DRL फैम से आया है, लव फ्रॉम DRL फैम, तो उसको भी पता चलेगा कि तुम लोग इधर से आए हो,
सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को आज का रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर लिसन तू देख रहा है भाई, तो दिल से बहुत बहुत प्यार है भाई तेरे लिए, बहुत बढ़िया गाना बनाया है तूने, और इसी तरह काम करता रहे ब्रो, एक ना एक दिन तो सफल होगा ही तू। और क्या ही, और कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये गाना सीख है, मेरे लिए सीख है, तुम लोगों के लिए भी सीख हो जाएगा। सुनो एक दो बार, उसके बाद तुम लोगों को लिरिक्स भी समझ आएगा, और उसके बाद इसका जो टोन है, वोकल स्ट्रक्चर्स है, और साथ में जितना भी कुछ मिलाया हुआ है ना गाने में, मिक्सअप किया हुआ है, बहुत बढ़िया है भाई, एकदम एक पैकेज बना के दिया हुआ है इस गाने को उसने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, तुम लोग सपोर्ट करते रहो मुझको भी, और उसको भी सपोर्ट करो जाके। सो बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, मिलते अगले रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मुझे अलविदा कहो दोस्तों, और मैं आता हूँ नए वीडियो के साथ। और जितने भी लोग देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, उसके चैनल को भी जाके थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, सपोर्ट करो उसके चैनल को भी। और गाइज, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलता हूँ मैं कि यार गाइज, अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, तो ताकि मैं कुछ सुधार पाऊँ अपने आप में, ठीक है ना, तो मैं कुछ बोल पाऊँ, मतलब मैं कुछ अपने आप में निखार पाऊँ। तो बस इतना ही बोलूँगा कि सपोर्ट करते रहो, क्योंकि लोकल आर्टिस्टों को या फिर जितने भी अनरिलेटेड आर्टिस्ट है, आप सभी लोगों को ज़रूरत है, आप सभी लोगों का ज़रूरत है उन लोगों को, तो सपोर्ट करते रहो, बस इतना ही बोलूँगा। और आज के लिए बस इतना, देखिए, लव यू मेरे प्यारे भाई लोग, नमस्ते, जय श्री राम, बाय बाय।